बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए रास रचाए साथ तुम्हारे झूम झूम दिल ये गाए हो झूम। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 16 सितंबर 2024। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने कहा कि यह रूहानी वंडरफुल सत्संग है, यहाँ जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जहाँ तुम बगुले से बदलकर हंस बनते हो, यहाँ बाप तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। फिर विशेष कहा कि बाप समझाते हैं तुम मनुष्य हो तो मनुष्य होकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, इसका रचयिता कौन है, इस चक्र को फिरने में कितना टाइम लगता है। बाबा कहे तुम यह ज्ञान के सब रास जानकर मनुष्य से देवता बनते हो, बनाने वाला बीज रूप बाप है। फिर आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि यह इंद्र स्वभाव है, जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक तुम इस सभा में बैठ नहीं सकते हैं। यहाँ ज्ञान सागर बाप ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिसमें ज्ञान स्नान करने से तुम परिया अच्छे शोभावान देवी देवता बन जाते हो। फिर बहुत ऊंच स्वमान दिलाते हुए कहा कि तुम ब्राह्मणों का यह बहुत छोटा झाड़ है जिसमें बहुत तूफान भी लगते हैं, लेकिन जो इसमें थमे रहते हैं अर्थात सिर रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं, बाबा के सदा बने रहते हैं, उनको ही महावीर महावीरनी कहा जाता है। फिर कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप आकर खोलते हैं, और जिनकी बुद्धि का ताला खुल जाता है वह जाकर सर्विस करते हैं, स्वयं को भी विषय वैतरणी नदी से निकाल अनेकों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। और कहा वह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं तो दूसरों का भी कल्याण करने की सेवा में तत्पर रहते हैं। और विशेष अंडरलाइन कराया कि जो बच्चे ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे तो वह ऐसे काम करेंगे सेवा करेंगे जैसे जिन्न के मुआफिक, उनको मनुष्य से देवता बनाने की होबी आदत लग जाएंगी, वह सेवा के बिना रह नहीं सकेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं अर्थात पवित्र बनते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिकरात है? उत्तर में बाबा ने कहा हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की खूबी अर्थात आदत हो जाती है, वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते, जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूह सब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए, तुम शूद्र थे अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वह जरूर भाई बहन ठहरे। बाबा कहते हैं जो इस नाते को समझ गए हैं, संबंध को समझ गए हैं, वो तो जरूर भाई बहन ही है क्योंकि सभी प्रजापिता ब्रह्मा के संतान है, तो भाई बहन जरूर होने चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को, बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है, जिनकी पूजा करते हैं फेथ रखते हैं यह फलाना है परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है।
अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी का तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। अर्थात जो देवी देवताएं बड़े हो गए हैं, पूर्वज है हमारे, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते हैं वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है, क्या यह जीवन कहानी ठहरी। बाबा कहते हैं क्या यह उनकी बायोग्राफी कहेंगे, यह तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं, पतित अक्षर कितना फिट है, पतित मानविकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणिया तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनके आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। बाबा कहते हैं दुनिया में तो इस रूहानी संबंध को नहीं जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो जानते हैं, तो उनकी स्मृति जरूर भाई बहन की रहेंगी। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं, तुम समझते हो हम सब है शिव बाबा की संतान भाई भाई, यह भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है निराकार, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप, और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, जाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्म में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है, शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है, आत्मा को तो नहीं कहते। आत्मा सब शांति धाम में रहती है, वहाँ से आती है पार्ट बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, तो ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है। तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला बाप है, बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं, जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी यह समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है तब तक तुम ब्राह्मणों के सभा में बैठ कैसे सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है, अर्थात जहाँ सभी कर्म इंद्रियों के राजा हैं। परिया भी तुमको बनना है, बाबा कहे परिया भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परिया गाई हुई है। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना यह तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परिया परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान स्नान करने से परिया अर्थात देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर शिव बाबा हैं, सदा खूबसूरत हैं, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन अर्थात पतित तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा पावन कौन बनावे, शिव बाबा को बनाना पड़े ना, सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा पावन बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़े ही हो सकती है, बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना,
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है, फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। बाबा कहते हैं जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ, अर्थात सेंटर ऐसा बनाओ, जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। ये तो बाप दादा के 69 के पहले के महावाक्य हैं, और उसके बाद तो बाबा के देश विदेश में कितने 140 देशों में बाबा के सेंटर हैं। तो बाबा के है बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहां बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, बाबा कहते हैं तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, तो गायन भी है मनुष्य से देवता किए करतन लागे वार। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वह सतयुग है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। दिन सतयुग में है देवताएं, रात कलयुग में है मनुष्य। सब भगत ही भगत है, पुजारी है। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र आदि का नाम नहीं होता है, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भगत, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है देवी दुनिया सतयुग, इसको कहा जाता है असुरी दुनिया कलयुग, राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़े ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है, अर्थात जो दुनिया में दिखावा है यह सब समाप्त होना है। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, यह सब डूब जाएंगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है, कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया है एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी स्वर्ग कहेंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अभी की दुनिया को स्वर्ग कहेंगे। बाबा कहे अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन नर्क कौन बनाते हैं यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं, राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम न लायक बन जाते हो। न लायक क्यों कहते हैं, बाबा कहते हैं न लायक क्यों कहते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हैं। देवताओं की लायकी की अर्थात गुणों की महिमा और अपनी नलायकी अर्थात अवगुणों की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं जब तुम पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, बाबा कहते अभी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम फिर से नए विश्व के मालिक बनेंगे। भाई बहन तो बनते हैं ना, वह कहते हैं यह घर फिटाते हैं, वह फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना, अर्थात बाबा कहते हैं यथार्थ बात को समझ जाते हैं। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी है मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है।
बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ। बाबा मगध का भावार्थ बता रहे हैं कि जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, शरीर खान पान सब पतित हो जाता है, तब ऐसे समय पर मैं आता हूँ। यही ब्रह्मा बाबा ही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं, सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं, वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, अर्थात बाप को छोड़कर चले जाते हैं, और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है, बल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती, यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदल कर बगुला बन जाते हैं, फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं, तो फिर से चढ़ जाते हैं, अर्थात फिर से पुरुषार्थ कर अच्छी स्थिति बना लेते हैं। जो थमे अर्थात स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान, तुम हो महावीर महावीरनी, नंबर वार तो है ही, सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। बाबा कहते हैं जो माया के युद्ध में कभी हारते नहीं है वह पहलवान है, और जो यहाँ पहलवान है वही महावीर है, और जो महावीर होते हैं वह दूसरों को भी अपने जैसे महावीर बनाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है पांच विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं, जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो, ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपार दुख है, अभी अपार सुखों में चलना है। जो अपार सुख देते हैं शिव बाबा, उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ बाबा के पास आए हो, तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। बाबा कहते हैं संगम पर दोनों बातों पर अटेंशन रखना है, खुशी में भी रहना है और खबरदार भी रहना है, क्योंकि बाबा के साथ साथ माया भी अभी संगम पर रहती है। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं, तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती हैं, यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए, पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम हैं स्टूडेंट, गॉडफादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान वाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया है, परंतु श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड, स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें नंबर वन यह है ना लक्ष्मी नारायण, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं, उनको सर्विस के बिगर कभी सुख नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जो नंबर वन पुरुषार्थी बच्चे हैं उनको सर्विस के बिना सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन्न, मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत लग जाएंगी। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी।
इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी सिचुएशन के पहले ही पुरुषार्थ कर लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरा, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो, किसी ने कुछ अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो, वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाती हैं। आज बाबा ने गंभीरता का गुण धारण करने के लिए कहा और गंभीरता का भावार्थ बाबा ने बताया कि जो हम सेवा करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उस कार्य का वर्णन नहीं करना है, शांत रहकर अपना पुरुषार्थ करते रहना है। उसको आज बाबा ने कहा गंभीर बनना, और ऐसी स्थिति बनाने वाले बच्चे ही फुल मार्क्स जमा कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। आज 16 सितंबर का अव्यक्त इशारा है। आज बाबा कहे जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व उसका रिस्पांस लेने का सूक्ष्म संकल्प रहता है, वह भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। निष्काम वृत्ति नहीं रहती, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट रहती है। कोई महिमा करते हैं और उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाता है, तो यह भी सूक्ष्म फल को स्वीकार करना है। आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म अटेंशन दिलाया कि जैसे दुखों की अपार लिस्ट है, ऐसे इच्छाओं की व कर्म के फल का रिस्पॉन्ड लेने की भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो बाबा कहते हैं अगर कर्म किया और उसके फल की इच्छा रखते हैं व जो आपके साथ अच्छा करते हैं उनका आप विशेष ध्यान रखते हैं, तो समझो कि सूक्ष्म में आपने फल स्वीकार कर लिया, फिर उसके यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।